शोर चलाओ शुरू। अरे ये तो दूर उधर भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। आज हम घर की एंट्रेंस के ऊपर खड़े हुए हैं और एंट्रेंस के ऊपर खड़ी होने की वजह यह है कि हमारे आज बहुत से प्यारे दोस्त आ रहे हैं। अभी ईद गुजरी है तो ईद मिलन उन्होंने कहा कि हमने आना है, तो फिर मैंने कहा जी सौ बिस्मिल्ला आए। मेहमान तो वैसे ही रहमत होते हैं। आज आ रहे हैं जुल्कनैन भाई, रजब भाई, कमल भाजी, उसके अलावा और बहुत से प्यारे प्यारे दोस्त, सलमान भाई, प्रार भाई, बहुत से प्यारे दोस्त आज आ रहे हैं। बारबेक्यू की आज इनके लिए दावत है और मज़ा आएगा, तो मैंने कहा उनको वेलकम करते हैं और साथ साथ आपको भी वेलकम करवाते हैं। इंतजार करते करते शाम हो चुकी है। उम्मीद है कि अब हमारे गेस्ट जो हैं वो आने वाले होंगे, तो बस जैसे ही आते हैं उनको वेलकम करते हैं, अंदर लेके चलते हैं और फिर खाने की तैयारी शुरू करते हैं। आप लेट हुए। मैं आपको कह रहा था कि आज हम पहुंच रहे हैं टाइम पे, आप टाइम पे नहीं पहुंचे यार। मैं लेकिन टाइम कितने बजे का? 5:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने भी शुरू कर लिया। ये जी आगे सारे, अब हम इनको इंशाल्लाह कितने लेके जाएंगे? वेलकम यार, मैं पहले आया हूँ। लेट हो गए, आप लेट हो गए। आपने मुझे 5:30 का टाइम दिया था और इस वक्त 7 बजने वाला। नहीं बाकी आए हैं। नहीं आप लेकिन पहले आ गए। चलो तो एजल किधर है? वॉइस नोट कर दिया था कि जो बंदा लेट आएगा ना, जी उसने देर पूरा कर, ठीक है ना? मतलब अब देर क्या? अब रजब रह गया। रजब भाई रह गया। नहीं लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि असल टाइम बता दूं, किस टाइम पे आना, मैं उस टाइम पे आ जाऊंगा। मेरे घर में गेस्ट है, जो भी थी मैंने उनको 7 बजे का टाइम दिया। ये भी शुरू हो गया, ये नए तरीके से फर्नीचर की प्रमोशन शुरू हो गई है। इसके बीच में एक बेड दिखाया जाएगा। वालेकुम सलाम। एक बेड दिखाया जाएगा, बाकी सब नहीं नहीं, जो जो व्यू करेगा उसको एक बेड फ्री। जाने दे, ऐसा नहीं हो गया। शोर शराबा शुरू। चलिए अब हमारे गेस्ट जो है वो सारे पूरे हो चुके हैं और इनके लिए स्पेशल जो टेबल है वो मेडिकल की आई थी पूरी, पायेदार। जुल्कनैन भाई ने नया लफ्ज दिया, पायेदार। तो सारे आ चुके हैं। तो रजा भाई आप इतना लेट क्यों हैं? अच्छा मुझे पान काट के गाल का। नहीं आप आराम से खाएं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तंग नहीं कर रहा। वो भी हंसना शुरू हो गया। तो आराम से खाना खा रहे हैं सारे, इंशाल्लाह आज ईद में उनका केक काटना है। और रजब भाई जो है वो नान लगाने लगे हैं। टाइम आ चुका है और हम सब ने मिलकर व्हाट्सएप को डेट दिया है। आगे नहीं जा सकता, ये इतना मुश्किल काम है कि मेरे अलावा दुनिया का और कोई बंदा कर ही नहीं सकता। देखो ऐसे ऐसे खड़ा, एक मिनट हटा दो, उसको लगाने दो। ना यार वो आप ही हाथ से मैं कहा सी ना तंदूर ते काम करदा है, तुसी मानदे नहीं। रोटी नहीं ला रहा है। चलो मदरा नान ला दे, नान कम और बंद ज्यादा लग रहा है। चलो
पानी लगा फिर चिपकेगा। थोड़ी तेरी हेल्प भाई करवा देते हैं ताकि नान जाया ना, ठीक है ना? ये देखो इसका हाथ, नहीं नहीं लगाना, नहीं लगेगा लगेगा और लगेगा। क्या करना है ऐसे ही करके हाथ मोड़ के इंज। चलो तू एक काम करना, अंदर ले जाऊंगा जी गेम ला। चल भाई ओके चलो। बड़ी सीरियस रील यहाँ पे चल रही है। जुल्कनैन भाई और रजब भाई ये कमाल की रील बना रहे थे जिसका पांचवा शॉट अभी लिया जा रहा था, तो मैंने कहा आपको साथ से वीडियो दिखा दें। रील चल रही है यहाँ पे, रील की पूरी तैयारी हो रही है और रील आप देखते जाएंगे। 600 टेक हो गए और ये 6 टेक काटने बस, तो ईद मिलन का केक काटने लगे सारे। अगर बोल रहे हो यार कोई सपोर्ट कर दे सर। हां जी सपोर्ट करें यार, हमें को केक काटने लगे। नहीं नहीं आगे बोलने में सपोर्ट किया, केक काटने लगे। हां जी वोट फॉर हनान भाई, ठीक है। थैंक यू। तो फाइनली जी आज का दिन खत्म हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत दिन। ईद मिलन पार्टी थी दोस्तों के साथ जिसका मैंने आपको थोड़ा सा बताया। प्रॉपर व्लॉगर तो मैं हूं नहीं, मेरे पास तो जस्ट ये फर्नीचर होता है और मैंने आपको इसी की व्लॉगिंग देनी होती है। खैर छोटी मोटी कोशिश की कि मैं आप लोगों को कुछ इंजॉय करा सकूं जो मैं जितना करवा सकता था। और दूसरा इंशाल्लाह थकन वाला दिन था, जरा थक भी गए। तो ये वाला बेड आपके लिए कल मैं लेके आऊंगा रिव्यू के लिए, प्रॉपर इसका व्लॉग आएगा रिव्यू के साथ और बाकी छोटी मोटी आपके साथ इंशाल्लाह गप भी लगेगी। निशा के लिए वालदेन से कहेगा कि अब्दुल हनान को मेडिकल्स को अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।